बराह रास्त आपके लिए चलेंगे ऐवान सदर, जहां पर मोना सिलाही की वफाकी वजीर के ओहदे की तकरीब हलफबरदारी जारी है। बहसियत वफाकी वजीर मैं अपने फ़राइज़ व कारहाए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फ़ैसलों पर असरअंदाज़ नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा और ये कि मैं किसी शख्स को बिलावास्ता या बिलवास्ता किसी ऐसे मामले की ना इत्तला दूंगा ना इसे ज़ाहिर करूंगा जो बहसियत वफाकी वजीर मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा या मेरे इल्म में आएगा बजुज़ जबकि बहसियत वफाकी वजीर अपने फ़राइज़ के लिए कमा हक़ अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो या जिसकी वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन। ऐवान सदर में मोना सिलाही की वफाकी वजीर के ओहदे की तकरीब हलफबरदारी आपने मुलाहिजा की। मोना सिलाही ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़।